जिला के क्षेत्रीय अस्पताल और नगर परिषद सोलन शहरवासियों को सुविधाएं देने में पूरी तरह से असफल रहा है और अगर कोई संस्था अपनी ऐच्छिक इच्छा से जिला प्रशासन की मदद करने का प्रस्ताव रखती है तो उसे भी अनसुना किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहां लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय संस्थाएं भी आहत हैं। सोलनी सेवा दल के पदाधिकारियों ने बकायदा प्रेस वार्ता कर नगर परिषद और जिला के क्षेत्रीय अस्पताल की लचर कार्य प्रणाली की पोल खोली है। उन्होंने कहा कि वह बिना किसी शर्त के शहरवासियों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन उन्हें उनकी अनुमति नहीं दे रहा है। सोलनी सेवा दल के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन के चिल्ड्रन पार्क में पानी पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, लोगों को यहां आकर पानी के लिए भटकना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने नगर परिषद को प्रस्ताव दिया था कि उनकी संस्था करीबन 1,00,000 रुपए की लागत से वहां वाटर कूलर लगाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव पर कोई गौर नहीं किया, जिसके चलते गर्मी के मौसम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनकी संस्था ने अस्पताल में आधुनिक बेंच और व्हीलचेयर देने के लिए भी अस्पताल प्रशासन को आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने भी उनके प्रस्ताव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अगर नगर परिषद और अस्पताल प्रशासन उनके समक्ष कोई मांग रखता है तो वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी हम करते हैं। हमने ये सूर्य मंदिर परिसर में क्रॉसिंग करने पर उनके लिए सहायता करने को तैयार है। एक भंडारा हमने शुरू किया था, हम 81 भंडारा कर चुके हैं और इसी तरह से 6 लड़कियों की शादी प्रमोशन को नहीं करते, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं और यहाँ पर कल होगा और 2 लड़कियों की शादी इसमें हो रही है। इस प्रोजेक्ट में हम आज तक हैं और इसके साथ ही हमने उसी दिन 16 बेंच भी शाब्दी के प्राइमरी स्कूल को दिए। यहाँ पर अभी आने वाले समय में हम ये जो काफी तो प्रोजेक्ट है कि पॉपुलर से वो हमें इसका सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, तो उसके बाद हम दिक्कत रहेगी तो हमारी संस्था माँ बाप के साथ खड़ी है ताकि उन्हें लगाया जाता है। कोई भी डॉक्टर इसमें हम किसी बिजनेस प्रमोशन को नहीं करते, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काफी प्रोजेक्ट्स में काफी फायदा मिलता है। अभी तक के जैसे मैं हमारे आपको या सामने हमने लिख कर दिया है, 81 भंडारा हमने शुरू किया था, अब 81 भंडारा उसी लड़की का नाम संगीता है। ये जुड़ा जी रोड पर 2,00,000 रुपए का खर्चा आया है और इसके साथ ही हमने उसी दिन 16 बेंच भी शाब्दी के प्राइमरी स्कूल को दिए। वहीं जब इस बारे में एमएस महेश गुप्ता से इस उदारहीन रवैये के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संस्था को अस्पताल की मांगों के बारे में अवगत करवाया था, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई भी मदद नहीं की गई है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई डोनेट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए मना करेंगे। अभी मैंने हालांकि बाहर बेंचेस लगे हैं, आपने रिसेप्शन पे देखे होंगे, मैंने ये मैनेजर SBI से रिक्वेस्ट की, तो मेरा ख्याल हम ऐसा तो कभी नहीं करते। इनसे भी मुझे लगता है एक रिक्वेस्ट की गई थी, शायद हमारे ऑर्थो वाले सर्जन ने की थी कि वार्ड के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सुनने वालों से, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत है, वो मुझसे संपर्क करें। हॉस्पिटल में तो बहुत बहुत चीज़ें हम ले सकते हैं, व्हील चेयर्स हैं, स्ट्रेचर्स हैं, तो ये कोई भी किसी का भी स्वागत है जो भी डोनेट करना चाहे।